दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर डटे पहलवानों की पहली जीत, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जंतर मंतर पर जाकर पहलवानों से मुलाकात, उन्होंने की निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। प्रियंका की मांग, पहले ब्रजभूषण इस्तीफा दें, रिपोर्ट की कॉपी नहीं देने पर भी सवाल खड़े। बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने की उठाई मांग, बोले पद का कर सकते हैं दुरुपयोग, गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले में दिया जवाब, कहा मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा बार बार मांग बदल रहे हैं पहलवान, मेरे इस्तीफे से संतुष्ट तो इस्तीफा देने को तैयार। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों ने नहीं किया कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार, सीधे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पहलवानों का आम आदमी पार्टी का भी समर्थन, सौरभ भारद्वाज ने कहा पहली बार असली पहलवान से भिड़े राजनेता, भगवान राम को भी बजरंग की जरूरत पड़ी थी। सौरभ भारद्वाज का आरोप, सरकार कर रही है यौन शोषण करने वालों की सुरक्षा, देश देख रहा है। ब्रजभूषण के केस की जांच के लिए 7 महिला अधिकारी तैनात, महिला अफसर एसीपी को रिपोर्ट करेंगी, एसीपी बाद में डीसीपी को देंगे रिपोर्ट। जांच का दायरा विदेश तक भी जा सकता है, विदेश में यौन शोषण के लगे हैं आरोप, देश में भी कुछ राज्यों में पड़ताल होगी। खड़गे के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अध्यक्ष पर FIR दर्ज करने और चुनाव में प्रचार पर रोक की मांग है। इस बीच कर्नाटक चुनाव में खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर बोले अमित शाह, कहा जितना प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे उतना ही खिलेगा कमल। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, अमित शाह के दंगे वाले बयान पर चुनाव प्रचार बैन लगाने की मांग। बीजेपी विधायक यतनाल के भी बिगड़े बोल, सोनिया गांधी को कहा विषकन्या। विष करने वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, चुनाव आयोग से शिकायत कराई। खड़गे के प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बताने पर बोले राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष, मोदी भगवान शंकर की तरह हैं, सारा विष पी लेते। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के खिलाफ ईडी की दलील, कहा पॉलिसी बनाने में सिसोदिया की मुख्य भूमिका, जमानत देना उचित नहीं। शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, अब हाईकोर्ट में करेंगे बेल की अपील। वहीं प्रयागराज में कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का दावा, निकाय चुनाव में जीत हासिल करेंगे। गोरखपुर में कूड़ा ढोने वाली गाड़ियों पर लगी सीएम योगी की फोटो, गोरखपुर के लोग खफा, नगर आयुक्त ने नहीं दिया कोई जवाब। कर्नाटक में आज मेगा प्रचार का दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बेंगलुरु में रोड शो, हनुमाबाद विजयपुरा और कुड़ाजी में भी रैलियां करेंगे। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह भी आज कर्नाटक में चुनावी प्रचार करने वाले हैं, माडिकेरी में शाह का रोड शो होगा, उडुप्पी और बैंगलूर में रैलियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज कर्नाटक में पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, जेपी नड्डा भी करेंगे चुनावी प्रचार। कांग्रेस की तरफ से राहुल के बाद प्रियंका कर्नाटक के मैदान में, धारवार में करेंगी प्रचार। महाराष्ट्र में बोले रामदास आठवले, मैं भी बनना चाहता हूं सीएम, पवार को दिया एनडीए में आने का न्योता। आनंद मोहन पर महागठबंधन में बढ़ा विवाद, सीपीआई माले ने सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखी, पटना के गांधी मैदान में सांकेतिक धरना शुरू। वहीं नीतीश कुमार ने आनंद मोहन पर तोड़ी है चुप्पी, बोले आनंद मोहन पर बयान चौंकाने वाले। दिल्ली में इलाज के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ने करीब 20 मिनट की मुलाकात। बाबा बागेश्वर के बिहार दरबार से पहले सियासत गरमाई, मंत्री तेज प्रताप बोले हिंदू मुस्लिम हुआ तो विरोध करेंगे। बीजेपी का तेज प्रताप के बयान पर पलटवार, बोले इन्हें संत बर्दाश्त नहीं, घोटालेबाज चाहेंगे। शुभेंदु अधिकारी को लेकर हुगली में लगे आपत्तिजनक पोस्टर, पोस्टर्स को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने। निकाय चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान तेज आंधी से पंडाल गिर गया। निकाय चुनाव में योगी ने माफियाओं को लेकर किया तंज, बोले अब जान की भीख मांग रहे हैं माफिया। नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव लखनऊ मेट्रो में करेंगे प्रचार, लखनऊ में रोड शो का भी कार्यक्रम है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है, 22 जनवरी को रामलला होंगे गर्भगृह में विराजमान। कार्यक्रम में कई बड़े बड़े संत और प्रधानमंत्री की भी आने की संभावना है, भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। रामलला की मूर्ति का निर्माण अक्टूबर तक पूरा करने का टारगेट है, 70% बन चुका है मंदिर। गर्भगृह के निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है मकराना का मार्बल, सितंबर तक गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा होगा। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सीबीआई के 5 घंटे तक चली पूछताछ, बीमा घोटाले को लेकर 7 महीने में दूसरी बार सवाल जवाब।
जबकि मणिपुर के चुरांदपुर में भीड़ ने की मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल में तोड़फोड़। घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण। G20 के तहत Y20 प्री समिट लद्दाख में शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया लोगों को संबोधित। चंद्रपुर में बाल विवाह कानून के तहत पुलिस ने रुकवाई शादी। दोनों नाबालिग भागकर कर रहे थे शादी। राजस्थान हनुमानगढ़ में सीएम अशोक गहलोत ने मुद्रास्फीति राहत शिविर का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित किया। पूंछ में चल रहा आतंकवाद के विरोध में अभियान। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। जबकि तमिलनाडु के पूना मेल में BJP के पंचायत अध्यक्ष की हत्या। शादी से लौटते वक्त बदमाशों ने हमला बोला। दौसा में मंत्री मुरालीलाल मीणा ने निःशुल्क स्कूटी योजना के तहत किया 73 स्कूटी का वितरण सभी लाभार्थियों के खिले चेक। हरदोई में प्रधानमंत्री आवास में ग्रामीण से घूस मांगने वाले पंचायत मित्र का खुलासा। एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। उधर बस्ती में PWD विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही। पुल की हालत खराब, हवा में झूलता नजर आया। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सरकार की तमाम व्यवस्थाओं में भी लापरवाही नजर आई। कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के खिले चेहरे। चमोली के हेमकुंड साहिब में 12 से 15 फीट बर्फ के बीच रास्ता बनाने में जुटी भारतीय सेना। 20 मई को खुलने हैं कबाड़। पुंछ के मुगल रोड पर बर्फ हटाने की चल रही प्रक्रिया। बर्फबारी के चलते आवागमन भी बाधित। दिल्ली NCR में मौसम ने एक बार फिर से बदली है करवट। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से छुटकारा। छत्रपति संभाजीनगर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। भारत के आखिरी गांव और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के छितकुल गांव में भारी बर्फबारी। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर। रायसेन में भी मौसम ने ली करवट। 2 घंटे की बारिश। ओले गिरने से लगा जाम। कई जगह बिजली के खंभे भी। खरगोन में भारी बारिश से फसलों को नुकसान। सैकड़ों एकड़ में खड़ी मक्का की फसल तबाह। चमोली में बर्फ को हटाने का काम जारी है। हेमकुंड साहिब के रास्ते से सेना काट रही है बर्फ। सीहोर में अचानक बेमौसम हवा, आंधी के साथ बारिश। कई जगह गिरे ओले।